आपका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था स्टंट करते हुए। नहीं, हम करते थे तो यहाँ प्रैक्टिस करते थे रोज। जोर से बोलिए। था प्रैक्टिस करते थे रोज तो धीरे धीरे करते करते सीख गए। तो फिर आलोक जी देखे तो बोले कि बहुत अच्छे करते हो। फिर घर में अभी कौन कौन है आपके? घर में मम्मी है और भैया लोग रहते हैं और चाचा चाची। पापा आपके? पापा नहीं है। ये सब ऐसे मुकाम पे यहाँ से सिर्फ इनको आगे भेजने की जरूरत है सर। जी, जी। तो कोई किसी कैसे किसी जनप्रतिनिधि या कोई सामाजिक के लोग या फिर कभी सरकारी मदद इनको अभी तक क्यों नहीं मिल पाई है? मदद मिले हैं, जैसे है हमारे युवा चेतना का अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, मदद मिलते रहते हैं उनके माध्यम से, प्रोग्राम भी होते हैं उनके बाद। इनको आगे जाने के लिए इनके ऊपर जैसे आप लोग के द्वारा उनको आगे भेजना है। उनके बाद युवा चेतना कल में इनको अभी तक जो है जो जितनी भी मदद मिली है युवा चेतना कल के द्वारा मिली है। जी जी, युवा चेतना के द्वारा हम लोग एक प्रोग्राम भी करवाए हैं। हमारे साथ यहाँ के जो है सामाजिक कार्यकर्ता और खासकर राजद के नेता हैं अशोक आलोक जी, इनसे भी जान लेते हैं। सर आपने तो खैर नज़रों से अभी देखा मोहित की जो प्रतिभाएं थी, सब लोगों ने देखा, क्या लगता है सर कि इस हौसले को उड़ान की ज़रूरत है? निश्चित तौर पर उनको उड़ान की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो सौभाग्य भी और दुर्भाग्य भी। सौभाग्य ये है कि गांव में लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसी प्रतिभाएँ पड़ी हुई है, और दुर्भाग्य ये है कि गाँव की ओर हमारे सरकार का ध्यान ही नहीं है, उनके लिए कोई भी योजना नहीं है। और वर्तमान में जो हमारी केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार चीन से टक्कर लेना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चीन में 2.5 साल के बच्चों को गोद ले लिया जाता है, 2.5 साल के बच्चों को जिमनास्टिक की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है, ओलंपिक के लिए उसको तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। और हमारे गांव के बच्चे, हमारे देहात के बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनको माँ पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको मदद नहीं कर सकते, उनको विद्यालय से कोई छूट नहीं मिलती है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है, और राजनीतिक उदासीनता के कारण इन बच्चों की प्रतिभाएँ खत्म हो जाती है और उसे कोई पहचान नहीं मिलती, और उनकी उड़ान भरने से पहले उनके पर कट जाते हैं। मोहित जी बता रहे थे कि जितनी भी उनको मदद मिली है वो अशोक आलोक जी से मिली है, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ मोहित जी को ही तराशना, क्या ये कहीं ना कहीं गलत बात है? सभी जो भी प्रतिभावान है, आपकी ये जो कार्य है मोहित जी को आपने मदद करा, ये बिल्कुल सराहनीय है सर, और मैं निजी तौर पर इसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन सिर्फ मोहित ही जी क्यों सर? आप सबसे पहले जान लें कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप इस मोहित जी की बात कर रहे हैं तो इस मोहित जी को वास्तव में अगर आप देखें तो ईश्वर की बहुत बड़ी मार पड़ी है। इनकी बाबूजी ने? जी बिल्कुल। उसके बावजूद अभी इस बच्चे को किसी बुरे संगत में भटक जाना चाहिए था जो अपने समाज में हो रहा है, लेकिन ये बच्चा इतने प्रगतिशील पथ पर चल रहा है, एक समाज को नया आयाम देना चाहता है। तो युवा चेतना क्लब और हमारी संस्था या हमारे समाज के लोग सभी तत्पर हैं कि इनको हम लोग ऊंची मुकाम को पहुंचाएं, इनको उनकी उड़ान को भरने के लिए हम लोग सहयोग करें। और सही प्रश्न आपका है कि ऐसे बच्चे ढेरों हैं जिनको चिन्हित करके उनको सहयोग करने की आवश्यकता है, उनको कैंप, उनको ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, ताकि वो राष्ट्र के लिए खेल सकें, अंतर्राष्ट्रीय के लिए खेल सकें। लेकिन ऐसी राजनीतिक उदासीनता के कारण बच्चे विवश हैं, हम लोग भी विवश हैं, लेकिन अब हमारा समाज, अब हमारा गाँव किसी के लिए मोहताज नहीं होगा। हम लोग सब मिल करके
करके उसको निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे और एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे गांव से ये बच्चे, ये प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचे और हमारा नाम पूरे दुनिया में रोशन करे। बिल्कुल सराहनीय कार्य है युवा चेतना क्लब का, और मैं निजी तौर पर पहले भी बोला हूँ कि मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। और ये बिल्कुल, ये जो मोहित जी ने कहा कि अभी तक मात्र एक अशोक आलोक जी से इनको सहयोग मिली है, लेकिन हम आपको पहले भी बताए थे ये हमारी सरकार की नाकामी कहिए या सामाजिक उदासीनता, ये इतनी बड़ी प्रतिभाएं दम तोड़ने की कगार पे है। और इस हौसले को कहीं अगर उड़ान को जो है हौसला मिला है तो एक आलोक युवा चेतना क्लब के से मिला है। लेकिन मैं चाहूँगा कि समाज में जितने भी ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं इनके लिए सामाजिक लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। सरकार को ऐसे प्रतिभावान बच्चों को खोजने की, तराशने की ज़रूरत है। हर बार चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पे हो, बिहार के प्रतिभावान बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है और बिहार का नाम रोशन किया, अपने सूबे का नाम रोशन किया, अपने समाज का नाम रोशन किया है, अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। तो इस जैसे प्रतिभावान बच्चों के लिए ये सामाजिक बातें नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति बातें नहीं होनी चाहिए और सरकार को आगे आनी चाहिए। और बहरहाल जो वर्तमान में युवा चेतना क्लब इस तरह के बच्चों को तराशने का काम किया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ की बात है, प्रशंसनीय है। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, निजी तौर पर मैं इनको धन्यवाद भी प्रकट करना चाहता हूं कि इनकी प्रतिभा को तराशने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगर कहीं आसपास आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके सूबे में ऐसी कोई प्रतिभाएं हैं तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए, हम आपसे मिलने का, हम आप तक पहुँचने का और ऐसे प्रतिभावान बच्चों को, युवाओं को, लड़कियों को सरकार से रूबरू कराने का कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद है।